7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित कई मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हुए, जो गाजा में हमास का समर्थन और फिलिस्तीनियों को लेकर इसराइल समेत अमेरिका पर हमलावर हैं। इस बीच इराक के सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन कताइब हिजबुल्ला ने एक बार फिर अमेरिका को हड़काते हुए इराक छोड़ देने की धमकी दे डाली है। ऐसा न करने पर फिर से इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी शुरू करने की बात दोहराई। मालूम हो कि ईरान समर्थित इस गुट ने अमेरिकी सैनिकों पर बीते महीनों पहले हमलों को रोकने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। हालांकि फिर कताइब हिजबुल्ला ने पुराना राग अलापते हुए अमेरिकी सैनिकों की जल्द से जल्द इराक खाली करने की चेतावनी देकर इलाके में तनाव को बढ़ा दिया है। बताते चले कि वॉशिंगटन और बगदाद इराक में अमेरिकी सैनिकों की निकासी पर पहले से ही कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। अमेरिकी सैनिक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस के खिलाफ बने वैश्विक गठबंधन के रूप में साल 2014 से तैनात हैं। फिलहाल इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कताइब हिजबुल्ला के प्रवक्ता अबू अली अल अस्करी ने कहा, सैनिकों को वापस बुलाने और इराक में अपने जासूसी ठिकानों को नष्ट करने में अमेरिकी दुश्मन की गंभीरता को नहीं समझा। हमने उन्हें हटाने के लिए इराकी सरकार की ओर से भी जरूरी गंभीरता नहीं देखी। गौरतलब है कि अमेरिका कताइब हिजबुल्ला को इराक का आतंकवादी संगठन मानता है। इसके लड़ाकों ने इसराइल हमास युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में खास तौर से इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को 165 से ज्यादा बार निशाना बनाया। हालांकि जनवरी के आखिर में अमेरिका ने घातक ड्रोनों से कताइब हिजबुल्ला समेत ईरान समर्थित कई चरमपंथी समूहों के खिलाफ दर्जनों हमले किए। इसके बाद कताइब हिजबुल्ला ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया था कि वो अमेरिकी सेना पर अपने हमले रोक रहा है। बता दें कि साल 2003 में इराक पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद बना कताइब हिजबुल्ला ईरान के सबसे करीबी इराकी सशस्त्र गुटों में से एक है। तो वहीं ये इराक में इस्लामी रेजिस्टेंस में सबसे खतरनाक सशस्त्र गुट माना जाता है। शिया आतंकी समूह कताइब की अमेरिका और सहयोगी सेनाओं के खिलाफ लंबे समय से दुश्मनी है। इस समूह का नेतृत्व अहमद अल हमीदावी करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि केएच को ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक मदद मिलती रहती है। ऐसे में काफी अहम रहेगा कि अमेरिका इन धमकियों को कितना सीरियस लेता है।